इमर्जिंग एशिया कप के लास्ट मैच में, जो कि लास्ट मैच एशियड के लिहाज से अगर देखें तो लास्ट मैच में नेपाल को कहीं ना कहीं जीत मिली है यूएई के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं तीनों एशियड टीम्स मिलाकर अगर हम बात करें तो नेपाल वो टीम बनती है जिन्होंने कम से कम एक जीत इस टूर्नामेंट में दर्ज की है, और डेफिनेटली वो एक एशियड टीम के खिलाफ। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस ग्रुप में यूएई और नेपाल दोनों एक साथ थे, तो यहाँ पर एक जीत किसी ना किसी एशियड टीम को मिलनी ही मिलनी थी एट द एंड की अगर बात करें। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें, जैसे कि पहले से हम सब जानते थे कि मैच का रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें अगर की जाती तो बेहतर होता, जो कि की गई। जरूर देखें, शुरू में नेपाल ने जो है चार प्लेयर्स को यहां पर जो बेंच स्ट्रेंथ थी उनको उन्होंने वापस से ट्राई किया गया, उन्हें वो लेकर आए और यहां पर मैच में उन्होंने इन्वॉल्व कराया। उन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या उनसे कैप्टन जिसलिए उन्होंने लेकर आए थे क्या वो उनसे निकलवाने में कामयाब रहे नहीं रहे, क्या कुछ हुआ इस मैच में, चलिए आपको एनालिसिस बताने की कोशिश करते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप ये जानते हैं कि शायद नेपाल जो है ये मैच जीत गया है, लेकिन उस अगर हम एनालिसिस डीप करने की कोशिश करें तो क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यूएई ने यहां पर बैटिंग की है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया। उनका और नेपाल का अगर हम फेस बाय फेस कंपैरिजन करें शुरू में तो वो किस तरीके का दिखेगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम यूएई की बात करें पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने तो पहले पावर प्ले में 1-10 ओवर में 34 रन बनाए यूएई ने और कोई विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं। अच्छी शुरुआत उन्हें मिली यहाँ पर, एक मीडियोकर शुरुआत यहाँ पर मिली उन्हें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल ने 1-10 ओवर में 73 रन बना डाले थे और एक विकेट का नुकसान टीम को हुआ था, तो बहुत बहुत वे अहेड आगे चला गया था नेपाल शुरू के 10 ओवरों में। और क्रेडिट एक बल्लेबाज को जाएगा, बात करेंगे उनकी आगे। और उसके बाद सेकंड फेज की बात करें 11-40 ओवर की, तो यहां पर यूएई ने बनाए थे 114 रन और 8 विकेट यहां पर यूएई ने अपने गवा दिए थे इस फेज में। इस सेकंड फेज में नेपाल ऑब्वियसली मैच जीत गया था, लेकिन वहीं यूएई की थर्ड फेज की बात करें 44 ओवर तक यूएई ने बल्लेबाजी की जिसमें 41-44 ओवर तक 9 रन बने और 2 विकेट का नुकसान यहां टीम को उठाना पड़ा। वहीं नेपाल ने सेकंड फेज में ही अपने मैच जीत लिया था, टीम ने 86 रन जोड़े और 6 विकेट का नुकसान टीम को और ज्यादा उठाना पड़ा, जो कि आखिर के वक्त में काफी ज्यादा विकेट्स गिर गए। यूएई ने 159 डॉट बॉल खेली, वहीं पर नेपाल ने 73 डॉट बॉल्स खेल डाले। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, अगर हम बैटिंग कार्ड की बात करें यहाँ पर यूएई की, जो आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त ये पूरा बैटिंग कार्ड है। अगर हम देखें लवप्रीत सिंह ने 52 बनाए आज यहाँ पर, हम कहना होगा पैरों की मूवमेंट इनकी भी बिल्कुल भी नहीं, जी हाँ, बिल्कुल पैरों की मूवमेंट नहीं थी, ना ये सिंगल डबल्स ज्यादा देने की कोशिश कर रहे थे, फोर्सफुल सिंगल डबल्स ले रहे थे। इससे वो शुरू के जिनके 20-30 रन है वो ज्यादातर सोच रहे थे कि मैं क्यों ना खड़े खड़े स्ट्रोक मारते हुए चलूं, और बाकी बॉल्स पे वो ना बॉल को ठीक से पड़ पा रहे थे ना ही वो कहीं ना कहीं रन के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, खास करके उनकी हाफ इनिंग में। लेकिन चलिए 150 उनके बल्ले से जरूर आई, तभी टीम ने 150 भी क्रॉस किया, वरना वो भी स्कोर नहीं होता। आर्यन शर्मा जिन्होंने छोटे छोटे प्रॉमिसिंग इनिंग जरूर खेली है दो, लेकिन वो बहुत ही छोटी इनिंग्स रही थी, लेकिन आज एक मौका था उनके पास नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस देने का, उनके बल्ले से गोविंद का 14 रन बनाकर आउट हो गए। अंश टंडन 3 रन, एथन डिसूजा 18 रन, अश्वंत बलथप्पा जिन्होंने 107 बॉलों में 46 रन की इनिंग खेली थी, एक आपको याद होगा शायद इंडिया के खिलाफ, 16 रन बनाकर आज आउट हो गए 32 गेंदों में। फहद नवाज 4 रन, अली नासिर जो कप्तान जिन्हें बनाया गया जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 बैक टू बैक 50s मारी थी डेब्यू करने के बाद, लेकिन यहां पर तीनों ही मैचेस में बैट से और बॉल से भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। वह मोहम्मद फराजुद्दीन 4 रन बनाकर आउट हुए, नीरज केशवानी 9 रन, जयस गिरानी 13 रन और मोहम्मद जवादुल्ला 1 रन। तो ये पूरा बैटिंग कार्ड जो आपके सामने प्रेजेंट यहां पर किया। एंड एक चीज यहां पर क्लियर जरूर है यूएई के लिए, पहले मैच, दूसरे मैच और तीसरे मैच में हमें बैटिंग में बात कर रहा हूँ, कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक बहाना देखिए, यही हमने कहा था अपने यूए के एनालिसिस में कि आप ये ये नहीं कह सकते कि हाँ ओपनिंग बहुत टफ था तो बहुत खराब क्रिकेट खेला, खराब क्रिकेट अलग ही नजर आता है। जी हाँ, ये वो ओपोनेंट पे मैटर नहीं करता कि हाँ बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट थी तो बड़े गंदा खेले लड़के, खराब क्रिकेट क्लियरली नजर आता है कि हाँ लड़कों ने काफी ज्यादा खराब क्रिकेट खेला है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो दूर भाग रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान खिलाफ आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर थी, वो काफी डोमिनेटिंग टीम थी वगैरह वगैरह, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो वो ऑल आउट भी नहीं हुए थे। 50 ओवर पूरे बैटिंग कर भी टीम जो है वो 156 तक पहुंची थी। और यार आज नेपाल के खिलाफ जो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले काफी अगर आप कहें कि नीचे की टीम है, डेफिनेटली उसमें दोहराए नहीं है, वो इंडिया पाकिस्तान ने भी साबित यहाँ पर किया है। सारी ऐसी टीम्स की हम बात कर रहे हैं, नेपाल के खिलाफ भी सेम वही परफॉर्मेंस बैटिंग में कुछ भी खास नजर नहीं आया। जरूर, और एक अपनी एसोसिएट टीम जो साथी एसोसिएट टीम है नेपाल के खिलाफ इस तरीके का परफॉर्मेंस
आप देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में यही हाल रहा है यूएई का, गलती पे गलती दोहरा देना, कोई अगर एक गलती हमें दिखे ना तो वो बेहतर है। और ज्यादा शर्मी नहीं जा रहे थे, बहुत ज्यादा, बहुत ठीक है आप बच्चे हैं, ए साइड है, बिल्कुल यंग लड़के हैं, लेकिन एक मैच, दो मैच, तीन मैच तक भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अभी यूएई क्या है, यूएई की जो मेन स्क्वाड है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो ये बेहतरीन मौका था इन प्लेयर्स के पास कि यहाँ से कोई एक आध जना एक शतक मार देता, एक 50 जमा देता, अच्छे खासे रन स्कोरिंग के बोर्ड लिस्ट में होता इस एशिया इमर्जिंग कप में, तो बहुत बेहतर होता है। बहुत अच्छा चांस था बैटिंग लाइनअप के पास एक अपने बोर्ड को मैसेज भेजने का, यूएई एमिरात्स क्रिकेट बोर्ड को, कि देखिए अब शायद आप मेरी तरफ नजर दौड़ाइए, मैं टीम में आने के लिए शायद तैयार हूं, ये दिखा सकते थे वो। लेकिन इसमें इतने ज्यादा फ्लॉप नजर आए सारे बल्लेबाज कि कुछ नहीं हो पाया। बॉले आपने बॉले खेलकर ये शो कराना कि अब बड़ी हैरानी होगी कि अगर इनमें से ये लड़के में से कोई एक आध जना जगह भी बना ले, अचानक उन्हें खिलाना भी चालू कर दे तो थोड़ी सी हैरानी होगी क्यों, और शायद हैरानी हो भी ना क्योंकि यूएई की जो मेन स्क्वाड है वो भी काफी स्ट्रगल कर रही है, उन्हें प्लेयर्स चाहिए, तो शायद इन्हीं में से कोई एक आध प्लेयर हमें नजर आ जाए वहां पर भी, जैसे अली नासिर तो खेलते ही है, लेकिन हम बैटिंग की और ऊपर की बात कर रहे हैं, ये वल्थप्पा हुए, बस इन्हीं सब की बात कर रहे हैं हम कि इन सब में से कोई नजर ना आ जाए यूएई की मेन स्क्वाड में जो नेशनल मैचेस खेलती है। पर ऐसा परफॉर्मेंस के बेस पर तो यहाँ कुछ भी इन लड़कों ने नहीं किया है कि आपके लिए अभी फिलहाल एक दो साल के लिए दरवाजे खुले हुए हो 50 ओवर के लिए, 20 ओवर तो कोई क्रिकेट नहीं है लेकिन 50 ओवर के लिए अगर अगर आप देखेंगे तो आई एम सॉरी, बहुत बहुत ही पुअर क्रिकेट है, अभी वेट करना होगा लंबा। बिल्कुल, क्योंकि दो सीजन पहले का दो मैच तक आप कह सकते थे हाँ इंडिया के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, बहुत टफ था, नए लड़के शेल में जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आज के डे पे डेफिनेटली कोई भी एक्सक्यूज नहीं था, जबकि सामने वाली टीम वेल वैसे ही संदीप करण तो है ही नहीं, ऊपर से उन्होंने सोमपाल ललित को उठा दिया, तो भी आपकी जो बैटिंग यूनिट है उन्होंने कोई भी स्टेप अप नहीं किया और 150-155 रन पर पूरी की पूरी टीम यहां पर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही। खैर ये तो बात हो गई यूएई की बैटिंग की, बॉलिंग कार्ड की अगर हम बात करें यहां पर तो आज डेफिनेटली पहले ही कहा कि प्लेइंग 11 में वहां पर टीम में जगह जरूर दी गई रोहित की तरफ से, लेकिन थोड़े से यहां पर उन उस चीजों को करने में भी कहीं ना कि कैप्टन चूक है। जब आपने मौका दिया एंड किशोर महातो और प्रतीश जीसी को यहाँ पर और थोड़े से ओवर्स यहाँ पर दिए जा सकते थे, डेफिनेटली आप विकेट्स के लिए गए वो के लिए अलग कॉल है, लेकिन यहाँ पर किशोर कम से कम कुछ और ओवर दिए जा सकते थे बीच में, वहीं पर प्रतीश को जब आपने ने लिया है टीम में, आपने जब लिया था तो कहीं मौके मिलने चाहिए थे, चलिए मौके मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, वैसे भी लड़के आप जाकर घर ही बैठना है सबको, घर से मेरा मतलब है कि हाँ लोकल में खेलते हुए रहना है क्योंकि वो सबसे बड़ी दिक्कत है, डोमेस्टिक वगैरह होता नहीं है और हार्ड भी नहीं और लोकल इतना टफ भी नहीं है, अगर लोकल में जाकर 10 विकेट ले भी ले तो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल के लिए तैयार हो गए, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक वगैरह लगातार डोमेस्टिक चलता रहे, नेदरलैंड्स अभी खेल के गए वापस है, उनके सारे प्लेयर डोमेस्टिक खेलने लग गए, तो ये लड़के आप घर में ही बैठेंगे या फिर कोई रीजन वगैरह टूर्नामेंट्स खेलते हुए हमें नजर आएंगे, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑलरेडी 3-4 प्लेयर बाहर है वो सब आ जाएंगे मेन स्क्वायर, मेन प्लेइंग 11 तो आपको पता ही एशिया कप में क्या वगैरह जानी है, तो यही बात हो गई। कुशल मल्ला ने बॉलिंग कार्ड 5 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट निकाला, पवन श्रॉफ ने 10 ओवर में 3 विकेट यहां पर लिए, माफ कीजिएगा 3 मेडल निकाले, 19 रन 1 विकेट निकाला। श्याम ढकल की अगर मैं बात करूं एंड 9 ओवर में 44 दो विकेट निकाले, मैं चाहूंगा श्याम ढकल के स्पेल को आप जरूर यहां पर एनालाइज करने की कोशिश करें, आज आपने पूरे उनके लगभग 9 में से 8 ओवर तो आपने पूरे देखे ही हैं, हम साथ देख रहे हैं। हां जरूर, नहीं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइन और लेंथ से कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगा, कुछ-कुछ बॉलें बहुत ज्यादा अलग हो जा रही हैं एक स्टंप टू स्टंप से, लेकिन कुछ-कुछ बॉलें बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी थी, खासकर लेफ्ट आर्म जब बैट्समैन आए उनको जो परेशान किया इन्होंने, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है और उम्मीद है वक्त के साथ-साथ अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही मैच में आप उनके पीछे पड़ गए कि अच्छा क्यों नहीं किया, अच्छा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, जो समझदार है वो समझते हैं, मौके जितने मिलेंगे क्रिएट होंगे, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर का जो ग्राफ है वो बहुत हाई होगा, तब जाकर आप उन्हें कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं। वेल अच्छा खेले हैं आप, इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, जी बिल्कुल सही कहा। उसके बाद कुशल गुर्जर की बात करें, 10 ओवर में 40 रन देकर 6 विकेट यहां पर उनके लिए आज लिस्ट में जुड़ गए, लिस्ट में उनके करियर में जुड़ गए। चलिए खैर आप ये मत कहिएगा कि आप ये उनकी बॉलिंग को भी एनालाइज करिए, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, कोई मतलब ही नहीं है सब परफॉर्मेंस की बात कर, सामने आपको ओपोनेंट देखना होगा। खैर यहां पर अगर हम बात करें, अब चलते हैं सीधे बैटिंग की तरफ, बैटिंग की तरफ अगर यहां पर देखा जाए तो बैटिंग की जो पूरी की पूरी लाइनअप है अगर हम देखें, जो ये आपके पास सामने बैटिंग कार्ड यहां पर जाता है, चेस करने के लिए जब टीम आई 156 का टारगेट, तो अर्जुन सौद डेफिनेटली
बेहतरीन कीपर है एंड लाइटनिंग फास्ट, हमें विकेट कीपिंग उनकी देखने को मिलती है, लेकिन बैटिंग में अभी इंप्रूवमेंट की और जरूरत होगी। लेकिन फिर से वही हम कहेंगे, ज्यादा हार्श उनके भी हम नहीं हो सकते, मैचेस उनको लगातार मिलने चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि अर्जुन साउथ को यहाँ पर दो मौके मिले थे, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत ही सही कुछ एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस अगर देखने को मिलती तो बेहतर होता। विकेट कीपिंग से उन्होंने इंप्रेस जरूर किया, लेकिन बैटिंग से थोड़ा बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया। ये देखते हुए कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी गए थे, वहां पर उन्होंने 40 की भी शायद इनिंग खेली थी, एक अच्छी इनिंग वहां पर आई थी, यहाँ पर उम्मीद थी कि उनसे कुछ रन होगा, लेकिन पहली बॉल पर वो आउट हो गए इस मैच अपनी इनिंग की। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये शायद किसी को पता नहीं अजीब लगे या नहीं लगे, मैं गया था कि किसी कैंप के लिए ट्रेनिंग, क्रिकेट कैंप के लिए सिलेक्शन को देखने के लिए, कि वहां से स्टेट टीम का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल, मैं ये देखने के लिए गया था सिर्फ, और अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। तो वहां पर क्या हुआ, एक जो स्टेट बोर्ड है उनके भी वहां पर सच में रियल में सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त। तो हम कोने में बैठकर देख रहे थे चुपचाप कि आखिर सिलेक्शन होता कैसे है प्रोसेस, क्योंकि हमारे जो कोच सर थे उनका कॉन्टैक्ट काफी था, तो उन्होंने बुलवाकर हमें बुलवा लिया कि आओ बैठो साइड में, चुपचाप देखो कैसे करके सिलेक्शन होता है, स्टेट टीम में कैसे करके किया जाता है। तो हम बैठे हुए थे चुपचाप, बैठे हैं सब भैया है, बड़े बड़े हैं, 25-26 साल के सब आ रहे हैं, अपना करा रहे हैं। आप यहाँ पर दो मैच की बात कर रहे हैं, स्टेट टीम की सिलेक्शन के लिए सिर्फ 6 बॉलों का वक्त होता है एक बैट्समैन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने। नेट में जब साइन कर रहे होते हैं प्लेयर को देखकर कि ये मैच खेलने जाएंगे, उसी दिन मैच भी कराया जाता है, 40-50 ओवर का एक मैच भी होता है उसी दिन सिलेक्शन के बाद, जब नेट सेशन के बाद। तो नेट में नाम लिख लिया जाता है, सिर्फ 6 बॉलों के लिए मौका दिया जाता है, आओ और बल्लेबाजी करके दिखाओ। हो गया अगर 6 बॉल में क्लिक तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमेशा के लिए आप कचरे के डब्बे में चले जाएंगे, अगले साल ट्राई करना, अगले साल। ये था हमारे आंखों का हाल, हमने जो सामने देखा था। तो आपने तो यहाँ दो मैच कहे, वहां तो 6 बॉलों का फर्क हो जाता है और करियर ऐसे ही डूब जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं अहमियत को समझने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म को समझने की जरूरत है, और खास करके एक और यहाँ पर हम कहेंगे कि ओपोनेंट को भी यहाँ पर देखने की जरूरत है। इतना चीजें नहीं है ये, क्योंकि जब आपको मौके मिल रहे हैं तो उसको आपको भुनाना भी जरूर होगा। और अर्जुन साउथ ने जो भी दो मौके मिले मेरे ख्याल से इस इमर्जिंग कप में उन्हें एज अ बैटिंग, वो कहीं ना कहीं वो बनाने नाकामयाब जरूर रहे हैं। उसके बाद बात करें कुशल गुर्जर की, जी हाँ, तेज तर्रार इनिंग आ जाई पाकिस्तान के खिलाफ, अगर हम देखें तो शायद 1 रन, जी हाँ, और इंडिया के खिलाफ 0 रन पर आउट हुए। और आज जैसे ही कमजोर ओपोनेंट मिला, थोड़ी सी हल्की और क्या स्लॉग में बॉलें डाली जा रही थी कुशल गुर्जर को, एक के बाद एक स्लॉट में बहुत फायदा उठाया और उन्होंने जबरदस्त फायदा उठाया। जी हाँ, अगर आप खराब बॉलिंग करा रहे तो फायदा तो उठाएंगे, और उन्होंने उठाया भी, और बहुत ही आसान कहीं ना कहीं रहा कुशल गुर्जर के लिए, तो ओपोनेंट भी आसान था और बेहतरीन इनिंग उनकी रही, और 71 रन बनाकर वो कहीं ना कहीं आउट हो गया। और आउट होने से पहले बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगा चुके थे, और तीसरी बार भी ट्राई कर दिया, तो उन्होंने बहुत आसान कर दिया था काम। वहां पे लग रहा था कंफर्टेबली नेपाल इस मैच को लेकर चला जाएगा, 98 रन पर एक विकेट था। उसके बाद जो आयान बैटिंग हुई है, देव खनन 24 रन बनाकर आउट, संदीप जोरा 24 रन बनाकर आउट, रोहित पुड़ैल 9 रन बनाकर आउट, गुलशन झा 11 रन बनाकर आउट, पवन श्रॉफ 0 रन पर, कुशल मल्ला 2 रन, प्रतीश जीसी ने 8 रन, दो बैक टू बैक बाउंड्रीज मारकर टीम को जिता दिया। अब सिंपल सी बात वही है, अब वही चीज हम वापस आपके सामने दोहराएंगे। अब आप सोचिए, जो लर्न 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 की दुनिया भर की चीजें आप कहते आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन प्लेयर्स की? अब यहां पर बात कर रहे हैं तीन प्लेयरों की, रोहित पुड़ैल, गुलशन झा और कुशल मल्ला। जी हाँ, कुशल मल्ला, जी कुशल मल्ला नॉट आउट गए, तो उनके पे प्रेशर आया नहीं था। पवन श्रॉफ को किस प्लेस पर, पवन श्रॉफ तीनों मैचेस में उन्हें मौका मिल गया, बिल्कुल समझिए, और आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, तीनों मैचेस में उन्होंने किया क्या। एक चीज और, फिर अगर कोई कहेगा कि उन्होंने अच्छा किया था, कहां किया था, कौन से टूर्नामेंट में किया था, कौन से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में किया था, नहीं कर रहे कि किसी रीजनल टूर्नामेंट में, अभी T20 टूर्नामेंट में वो हाईएस्ट स्कोरर थे, तो अब उस बेसिस पर आप इतने बड़े इवेंट पर कहीं ना कहीं लेके चले जा रहे हैं, और फिर आप अचानक से पीछे से किसी प्लेयर को उठाकर लेके आते हैं। यही प्रॉब्लम नेपाल की रही है, कि अभी जो रिसेंटली एक प्लेयर आपके इर्द गिर्द घूम रहा था, आपने उनको पीछे धकेल दिया, फिर किसी पुराने को आपने वापस से उठाकर यहां पर ले आया, और एक मौके के बजाय तीन तीन मौके उस प्लेयर को मिल गए, जबकि कुछ और प्लेयर्स को यहां पर एक और मौके मिले जा सकते थे। अब मैं बात करता हूं वो प्रेशर की, रोहित पुड़ैल और गुलशन झा, ये दो प्लेयर्स हैं, लगातार साल खूब ग्रेट खेला, इन्होंने वर्ल्ड कप लीग 2 में, एसीसी प्रीमियर कप में, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लड़के गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले वार्म अप गेम्स में ये खेले, उसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ और स्कॉटलैंड के खिलाफ एक वार्म अप मैच और मिला था, खूब सारा क्रिकेट इन्होंने इस साल यहां पर खेलते हुए नजर आए। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, 98 रन पर एक विकेट टीम की थी, क्या प्रेशर था इन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किस तरह से निभाई, कितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी जो है चीज़ें करने की कोशिश ये प्लेयर्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश यहाँ पर आज फिर से नहीं हुई।
रोहित ने एक मैच में 60 मारा, उसके बाद फिर वो अपने जोन पे चले गए, शॉर्ट बॉल आई और उन्होंने मार, वो शॉर्ट मारने के लिए गए, फिर से हो गए। जैसे ने पहले ही कहा, आखिर पेशेंस लेवल आप अपने अंदर क्यों नहीं लेके आते हैं? उस बॉल को डक भी किया सकता था, जवाबुल्लाह की वो बॉल आपके सर पे नहीं लग रही थी, वो पड़ने के बाद ये जा रही बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जा रही थी बॉल। एक कैप्टन होकर एक 60 रन की इनिंग आपने पिछले मैच में खेलकर आपको अभी तक यही समझ नहीं आया कि बॉल शॉर्ट आ रही है, बाहर की तरफ जा रही है, कुछ नहीं करना है, मैं खड़ा रहता हूँ, हल्का सा डक होता हूँ, खत्म, बस टीम तो जीत रही, प्रेशर 98 पे एक रन है, 50 रन और चाहिए मैच खत्म है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है। गुलशन जा को भी बेहतरीन बॉलिंग एक बॉल डाली और फरासुद्दीन ने, और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टंप होते हुए नजर आए और आगे बढ़ने की कोशिश की और वो भी आउट हो गए। वो भी जरूरत नहीं थी, वो भी आगे बढ़ के बढ़ने की जरूरत नहीं थी, और आगे बढ़े तो हम बॉलर की चलाकी और बॉल पटक दी। तो यही सबसे बड़ी बात है। देखिए आप, लर्न कुछ नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि लर्न किस बेसिस पर हुआ है, यूएई के खिलाफ और यूएई की सचमुच की ए साइड के खिलाफ, जो लड़के अभी इंटरनेशनल लेवल के लिए लगातार खेलने के लिए 50 ओवर तैयार तक नहीं है, उन टीम्स के खिलाफ भी आपके 7 विकेट गिर गए चेस करने में, जबकि आपको स्टार्ट मिला 98 का। जरूर, और एक चीज और, कोलैप्स का कीड़ा यहां पर भी चालू। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज और है, आप 23 की जगह 40 ओवर लेते और 8 विकेट 7 विकेट से आप मैच जीतते, बहुत अच्छा लगता। अब एक सर्कमस्टेंस और है यहां पर। अब आप 23 ओवर में जीत रहे हैं, इट्स ओके, 3 विकेट से आप जीत रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये तब अच्छा होता है जब आपको कहीं नॉकआउट में पहुंचना होता। जी हाँ, अभी ये मैच जीतकर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते इमर्जिंग एशिया कप के, तो हाँ समझ में आता है के लिए तेज करना, बस बस बस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो गेम आपका, यही तो क्रिकेट है, यही तो क्रिकेट है। यहाँ एक बॉल में एक बंदा हीरो है और एक बॉल में वो जो बंदा है वो विलन बन जाता है, बस यही क्रिकेट है, क्रिकेट का यही रूल है। थोड़ा सा अपने आपको, ये जो क्रिकेट है, आज भी 7 विकेट गिरा देना, फिर 23 ओवर, इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, शुरुआत इतनी अच्छी मिली, आज जल्दबाजी में भी इतनी अच्छी शुरुआत, 98 के बाद जब कुशल आउट हुए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, बस बस इतनी अच्छी एक कुशल ने शुरुआत दिलाई, एकदम ब्लास्टरिंग शुरुआत थी उनकी तरफ से। लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ, सबको चाहिए था कि सब 20 ओवर में मैच खत्म करें। अरे क्यों भैया, एक कुशल मुर्तैर के बल्ले से रन निकल गए, वो निकल गए, हो गया, कर तो दिया ना उन्होंने, आप आराम से खेलो, क्या टेंशन है, कौन सा हड़बड़ी में कहीं कहीं जाना है या कुछ करना है, थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, तो वही आपने आपसे पहले ही कहा, देखिए आपकी कहा वर्ल्ड 18 जून से लेकर अब तक अभी भी लड़कों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आई, वो लड़कों, और हम उन्हीं प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, रोहित और गुलशन की, अभी तक वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस वक्त पर किस तरीके की कितनी कैलकुलेटिव इनिंग खेलनी है, वो अभी तक भी उस पैरामीटर को नाप नहीं पाए, वो तराजू एक ही तरफ लटका ही हुआ है, वो तराजू बराबरी पे आ ही नहीं रहा। अब फिर आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, आप यूएई की ए साइड के खिलाफ 98 पे एक के बाद आप ये नहीं जज कर पा रहे कि हमें बैटिंग कैसे करनी है, और आप कहते हैं आपने सीखा है, डेफिनेटली हंसी आती है इस लाइन पे भी कि आप 98 पे एक के बाद आपको ये नहीं पता बैटिंग कैसे करनी है, और आप कहते हैं कि हम एक महीने से सीख ही रहे, ये डिसअपॉइंटिंग है, ये वापस से कहने के दर, लेकिन इसका क्रेडिट अब किसी एक बॉलर को भी जाएगा। आई एम यूएई के बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, यहां पर बॉलिंग कार्ड आपके सामने है, मोहम्मद जवादुल्ला ने 6 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट निकाले, जो रोहित पुड़ैल, जो वो अपना सेकंड स्पेल लेके आए थे, जब उन्होंने रोहित पुड़ैल को भी आउट किया, बेहतरीन स्पेल, और अच्छा स्पेल था, बहुत ही बेहतरीन स्पेल जा रहा था उनका, और कहीं ना कहीं वहाँ पर इंप्रेस करने में कामयाब हुए, सेकंड स्पेल में बेहतरीन स्पेल उन्होंने था, और जिनको जो बॉल डाली थी वो भी बेहतरीन थी, जो पहला विकेट लिया, और जो रोहित को डाली थी वो तो स्पेल ही काफी शानदार उनका जा रहा है। जरूर ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में डेफिनेटली अगर ये आते हैं, तो इन केस अगर आते हैं, अदरवाइज अगर नहीं लिया तो खैर उसमें कोई डेल्ट की लगातार नजर जरूर जवादुल्ला पे डेफिनेटली, अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में रहते हैं तो यूएई के लिए काफी विकेट से निकालते हुए नजर आ सकते हैं हमें, और स्कॉटलैंड नेदरलैंड्स जैसे कंडीशंस पे जब ये जाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं सामने कोई भी टीम, वहां पर क्यों ना हो। अली नासर ने 3 ओवर में 22 रन कराए, पूरा टूर्नामेंट में डिसअपॉइंट किया है इन्होंने, इंटरनेशनल में डेब्यू करने के बाद 2 बैक टू बैक 50s मारने के बाद, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, ना बैटिंग में कुछ ना बॉलिंग में कुछ, डेफिनेटली डिसअपॉइंट, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। उसके बाद जॉस ज्ञानी ने 5 ओवर में 38 रन, उसके बाद बात करें अगर हम नीलांश केशवानी 3 ओवर 22 रन उन्होंने दिए, एंड मोहम्मद फराजुद्दीन का हमें नहीं लगता कि हमने कोई भी विकेट मिस किया है, क्योंकि पूरी बैटिंग हम देख रहे थे यहाँ पर, कुशल बुरते जब 30 रन हो गए थे, 30 रन पे एक विकेट था नेपाल, तब से हमने नेपाल का बैटिंग देखना शुरू किया, हम ये झूठी बोलेंगे कि हम शुरू से देख रहे थे, 30 रन पे उससे पहले हम श्रीलंका टेस्ट मैच देख रहे थे, तो वहां से हमने शुरू किया और लगभग वहीं से फराजुद्दीन ने फिर बॉलिंग वॉलिंग कराना शुरू किया,
उनका स्पेल आपको किस तरह से लगा, उनके विकेट्स आपने सारे देखे, क्या अलग नजर आया? नहीं, जरूर है, और विकेट काफी ज्यादा टर्न हो रही थी, आप बॉल देखेंगे, लूज शॉट्स भी कारण थे, जरूर थे, लेकिन बॉल टर्न काफी हो रही थी, पिच बहुत पुरानी, इन्होंने टूर्नामेंट में थोड़ी अच्छे स्पेल डाले हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है, एक ऑफ स्पिनर है, बहुत बेहतर है टीम के लिए, आने वाले के लिए, आप यंगस्टर है तो आप आने वाले के लिए तैयारी कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप जितना अच्छा करेंगे, आपके पास कमी नहीं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी लाइन कही, यंगस्टर का सबसे बेस्ट फैक्टर यही होता है कि उनके पास वक्त बहुत अच्छा होता है, कम से कम आप थोड़ा 4-5-6 साल ले सकते हैं अपना इंटरनेशनल में डेब्यू करने के लिए मेन टीम में, क्योंकि आप जब यंगस्टर, यानी कि यंगस्टर कह रहे हैं, जब उम्र आपकी 24-25 हो जाए तब नहीं, तब तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जब आपकी उम्र 20-21 साल हो तब आप थोड़ा ठहर सकते हैं थोड़ा, एग्जैक्टली, और एसोसिएट्स में आप हैं तो 2-3 साल और काट लीजिए, नहीं इतना वक्त भी नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप, पर आज के डे में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, अगर थोड़ा सा टूर्नामेंट पर इनकी बॉलिंग थोड़ा सा और बेटर हो जाती, अच्छी कराई थी लेकिन उससे और बेटर हो जाती तो शायद थोड़ा यूएई और बेटर रिजल्ट दे सकती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 3 विकेट से नेपाल को इस मैच में जीत मिली है। जी हाँ, ये बोलते हुए कहीं ना कहीं एक और चीज नेपाल ने यहाँ पर दर्शाई कि इस 156 के टारगेट में वो 3 विकेट से इस मैच को जीते हैं। वो मुझे तो लग रहा था, मैं आपसे कह रहा था यार ये चेस हो जाएंगे ना, 7 रन बचे थे, लेकिन थैंक्स टू प्रतीश जी जिन्होंने बेहतरीन 2 क्लीन शॉट्स लगाकर इस मैच को फिनिश किया और फाइनली नेपाल को एक जीत दर्ज की, और नेपाल का जो टूर्नामेंट है वो सेम बिल्कुल उसी तरह से खत्म हुआ है जो 2019 में इमर्जिंग एशिया कप में हुआ था, ना वो डिग्रेड ना कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 2019 में वो एक मैच एस्टेट को हरा कर पहुंचे थे और यहां पर भी वो हमें रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जरूर रखेंगे, कुछ ही देर में वो मिल जाएगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, तो चलिए नेपाल और पूरी इमर्जिंग एशिया कप की कंप्लीट कवरेज जो है वो वीडियोस के थ्रू अब इसी वीडियो में कंप्लीट होती है, लेकिन बहुत कुछ कम्युनिटी में भी बाकी है, एक बार जाकर जरूर सारे कम्युनिटीज को चेक जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।